हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए मास्टर स्ट्रोक में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से ट्रिग्नोमेट्री और प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले जो भी है आपका वो सारा एक्सरसाइज हो चुका है, तो चलिए इसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको LHS ये है और इसको RHS 1 लाना है, यानी इसको सॉल्व करके आपको 1 लाना है। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, कि ध्यान से देखिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 1048 है इसको चेंज करना है कॉट में, इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 42, क्योंकि अगर मैं 90 में से 42 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 48। हमेशा याद रखेंगे 90 में से ही माइनस करना है, तो 10 48 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 42। चलिए अब इधर 10 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67। मैंने ये दो को चेंज किया, 10 48 को भी 90 माइनस 42 किया और 10 23 को भी 90 माइनस 67 किया, क्योंकि 90 में से 67 जाएगा तो आपका 23 आ जाएगा। बस इसमें 4 है ना, 1 2 3 4, तो केवल 2 को चेंज करना है और 2 को नहीं करना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें से कोई भी 4 में से कोई भी 2 को 90 माइनस से चेंज करना है और 2 को छोड़ देना है। तो हमने शुरू से 2 को चेंज कर दिए, अब ये 2 को छोड़ देते हैं, तो यहां पर ये एडजेक्टिव रह जाएगा 10 42 और इनटू में 10 67। क्लियर है? चलिए अब यहां पर एक फॉर्मूला काम करता होगा, आपने पढ़ा होगा कि 10 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, 10 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा। 5 फॉर्मूला एक बार फिर से देखकर बता देते हैं, 10 90 माइनस a इजकल टू कॉट ए, यही आपका फॉर्मूला है। ध्यान से देखिएगा कि 10 90 माइनस ए इजकल टू कॉट ए, यानी 10 को जब 90 में से माइनस करते हैं तो वह बदल जाता है कॉट में, और कितना में, जो एंगल यहाँ पे माइनस होता है, यानी कि यहाँ पर ए माइनस हो रहा है तो ए में ही बदल जाता है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है, आपको पता भी है। जैसे कि देखिए साइन 90 माइनस ए बराबर आपका हो जाएगा, साइन बदल जाता है कॉस में, किसमें, कॉस में, कितना में, जितना माइनस करते हैं, या कॉस है। बहुत आसान है, कभी भूल ही नहीं सकते हैं। 10 कन्वर्ट होता है कॉट में, कॉट होता है 10 में, सेक होता है कॉसेक में और कॉसेक होता है सेक में, और साइन होता है कॉस में और कॉस होता है साइन में। कुछ नहीं, जब भी 90 में से माइनस करेंगे तो साइन कॉस में, और जितना माइनस करते हैं उतना ही हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए अब किसी, यही फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है। तो 10 को 90 में से माइनस करता है तो बदल जाता है कॉट में, ठीक है ना। कॉट कितना में, जितना माइनस करते हैं, जो एंगल माइनस करते उतना में बदल जाता है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्या हो रहा था 42 डिग्री, तो ये बदल गया कॉट 42। चलिए इनटू में फिर 10 को फिर से 90 में से माइनस करें तो 10 तो बदल जाएगा कॉट में, और कितना में स्टूडेंट्स बदलेगा, तो जितना एंगल आप माइनस कर रहे होते हैं, तो यानी कि कॉट 67 में। बस और दो का एडजेक्टिव छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 10 42 इंटू कॉट 67। क्लियर है स्टूडेंट्स, कहीं कोई दिक्कत ना, अगर ध्यान से देखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जिसका जिसका एंगल सेम है, हालांकि ये गुना है, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसका जिसका एंगल सेम है उसको एक साथ कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कॉट 42 इंटू 10 42 और इंटू, यहां पे अब इसका इसका देखिए 42 और 42 सेम को एक साथ कर दिया, 67 67 वाले को एक साथ लिख दिया, तो कॉट 67 इंटू 10 67। क्लियर है ना स्टूडेंट, हमने ऐसा चेंज किया कि दो दो थीटा सेम हो। अब यहां पर एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, कॉट ए गुने 10 ए इजकल टू 1 होता है, कॉट ए इंटू 10 इजकल टू 1, या फिर देखेगा सूत्र 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, यानी दोनों केसेस में यहाँ पे क्या होता है 1 होता है।
इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा देखिए, यहाँ पे ए और एस यानी सेम है थीटा, यहाँ भी 42 और 42 है, तो कॉट गुने टेन बराबर आपका फॉर्मूला हो जाता है एक, और फिर से यहाँ भी देखिए थीटा सेम है तो फिर से कॉट गुने टेन बराबर क्या हो जाता है एक, और आपको पता है कि एक को एक से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा एक, और यही हमारा आर एच एस था, यानी यही प्रूफ करना था, इसको सोल्व करके वन लाना था, बहुत इजीली तरीके से स्टूडेंट्स वन आ गया है। चलिए ना, तो ये आराम से प्रूफ हो गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कहीं से भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत जो है ना एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूँ और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि प्रश्नावली 3A का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर और 7 तक, 7 तो चलिए इग्नोर करते हैं, 6 तक, 2 से 6 तक ये चार क्वेश्चन जो है, सॉरी 5 क्वेश्चन सब एक से बढ़कर एक भी आए, यानी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसको नजरअंदाज किया जा सकता है, सब अपने आप में एक से बढ़कर एक भी आए क्वेश्चन है। आपको एग्जाम के लिहाज से ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन कराने वाले एकदम ध्यान से देखिए, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, सब भी आए क्वेश्चन है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन जो था वह भी आए, क्वेश्चन को पहले समझते हैं स्टूडेंट्स। कहता है यदि टेन टू ए, यदि टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री है, यानी कि टेन टू ए के इक्वल टू में क्या है कॉट ए माइनस 18 डिग्री, जबकि जहां टू ए एक न्यून कोण है, ये टू ए जो है वह न्यून कोण है यानी कि लेस देन 90 से छोटा है टू ए, जब भी जो न्यून कोण रहेगा उसको 90 में से माइनस करेंगे जैसा कि आप देखिएगा इसमें, तो 2a जो है एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर जो a है इसका मान निकालना, जबकि ये न्यून कोण है यानी कि जो भी a का वैल्यू निकलेगा, a का मान जो भी निकलेगा वह 90 से छोटा होगा, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो चलिए बहुत आसान है याद करने के लिए, बस एक लाइन जो अब मैं लाइन लिखूंगा सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप, वही पूरा क्वेश्चन का निचोड़ है, यानी ये अगर मिस किए तो नहीं बन सकता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिया है, जो भी आपका गिवन डेटा दिया वो लिख लीजिए, यानी कि टेन टू ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री, करेक्ट। अब क्या करना है, टेन टू ए, जबकि टू ए आपको लिखा हुआ है कि 90 डिग्री है, इसको आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a। अभी मैंने एक सूत्र बताया था इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सेकेंड नंबर, कि अगर कॉट को 90 में से माइनस करते हैं तो कॉट बदल जाता है 10 में, और कितना में 2a में, तो जाहिर सी बात है कि अगर कॉट को 90 में से माइनस कर रहा है तो कॉट बदल गया 10 में, और जो माइनस कर रहा है वही एंगल हो जाता है, तो 10 2a, तो बिल्कुल यही है ना कि 10 2a को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, क्लियर है ना इस चीज को, यही वो लाइन है। अगर यहाँ पर फर्स्ट स्टेप मैं बना रहा हूं, अगर इसमें मिस किया तो नहीं बनेगा, यानी टेन टू ए को हमको लिखना है 90 माइनस 2a, और यहाँ कॉट लगाते हैं ताकि फिर से वो 10 में चेंज हो जाए। अब देखिए बराबर यहां पर हो जाएगा कॉट ए माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉट से कॉट हो जाएगा कैंसिल, इधर भी कॉट है और इधर भी कॉट है, ये कट गया, बट कोशिश करेंगे कि इसको मार्कर या कलम का इस्तेमाल ना करें, मतलब ये समझ लीजिए कि कॉट से कॉट कट गया, कैंसिल हो गया, तो अर्थात आपके पास इधर क्या बच रहा है एलएचएस में, कॉट तो कैंसिल हो गया, कॉट कट गया, तो 90 माइनस 2a, और इधर से कॉट कट गया तो इधर क्या होगा a माइनस 18 डिग्री। अब तो यहां से आप खुद सोल्व कर सकते हैं, बस एक लाइन जो था कि टेन 2a को कॉट 90 माइनस 2a लिखना, बस क्वेश्चन बन गया। तो अब यहां से सोल्व कर लीजिए, तो लिख सकते हैं यार 2a इधर प्लस a है तो उधर जाएगा तो माइनस, और माइनस 18 का माइनस 18, इधर प्लस 90 है इधर आएगा तो माइनस 90, तो या माइनस 2 और a को ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3a, और यहां पर हो जाएगा माइनस 108, क्योंकि ये जुड़ जाएगा ना 90 और 108, माइनस माइनस प्लस, या ए इजकल टू हो जाएगा 108 बटा 3, तो 36 तिहाई 108, ठीक है ना, इसीलिए ए बराबर निकल गया 36 डिग्री, यही आपका क्या हो गया आंसर।
बोला था ना कि ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान निकल गया। बोला था कि ए जो है वह न्यून कोण होगा, तो देखिए न्यून कोण है बिल्कुल है, ठीक है। तो चलिए आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, तो चलिए क्वेश्चन को उतार लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।